कैसे आप सबको उम्मीद कर दूंगा आपसे बिल्कुल नहीं लगाए सॉरी मैं मतलब कि मैं आज मतलब कि मैं कुछ दिन से नहीं आ रही, लेकिन आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे कम से कम थोड़ा थोड़ा प्यार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे इंशाल्लाह मेरे हैंड सब्सक्राइबर जल्दी जल्द से जल्द हो जाएंगे, लेकिन आपने मुझे इस तरह प्यार देना है और इस तरह ही कुछ मतलब सब्सक्राइबर्स करने हैं। लेकिन गाइज पता है आपको, हमने बजट जो मैंने आपको दिखाया था ना हमने वो चेंज करवा लिया, मतलब कि वो जो ना मेरा जो आपको पहले बताया था मेरा ना एक उड़ गया था ब्लू वाला जिसने अंडे देने थे, शायद वो इसलिए उड़ा क्योंकि उसे यहाँ पर अंडे देने की जगह सही नहीं लग रही थी, गंदी जगह थी जहाँ, इसलिए मैं आपको अपने न्यू बजट दिखा देती हूँ, मतलब वो किस तरह से डाइट करते हैं। हाँ मैं आपको फीमेल मेल के बारे में बता देती हूँ। गाइस सारे मेरे जो बजेज हैं ना वो ग्रीन है। अब मैं आपको बता दूँ ये जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं इनकी नोज़ पे जो मेल, अगर आप मेल देखना चाहते हैं कि मेल कौन सा है, लेकिन उसके जो नोज़ पे है वो पर्पल या ब्लू कलर की होनी चाहिए, पर्पल बेशक ना हो लेकिन ब्लू कलर की, ब्लू या पर्पल होनी चाहिए, जैसे कि इस वाले की है, आपको दिख रहा होगा जो स्टिक पे बैठा हुआ। और जो फीमेल होता है उसकी नोज, जो फीमेल होता है उसकी नोज पे वाइट कलर का, वाइट कलर की नोज होनी चाहिए, उसकी वजह से वो फीमेल दिखता है, उसकी वजह से वो फीमेल दिखता है। अंडे ये तब तक नहीं लेंगे जब तक इनकी जोड़ियाँ नहीं बनी होंगी। अगर आपके जैसे मेरे तोते एक साथ हैं, अभी इनकी जोड़ियाँ नहीं बनी हुई, आपको क्या करना होगा, एक और पिंजरा लेना होगा, उसमें जोड़ियाँ जोड़ियाँ अलग करनी होगी, वरना ये ऐसे अंडे नहीं देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं देंगे, क्योंकि अगर इनकी हाइट मतलब कि एज ज़्यादा हो गई फिर इनका मतलब कि इनके साथ आदत हो जाएगी, फिर अंडे नहीं देंगे, मतलब जोड़ियाँ बन जाएंगी, मतलब एक ही अंडे बनेंगे लेकिन अलग करना ज़रूरी है, जोड़ियाँ तो बन जाएंगी एक साथ मिलने, जैसे कि अभी देखें ये लड़ है, इसकी जोड़ियाँ नहीं बनेंगी, ये लड़ है, देखा लड़ है ना, ये लड़ है, अभी इनकी जोड़ियाँ नहीं बनेंगी, तो लेकिन ये जो है मतलब कि अभी इनको अलग पिंजरे में करना पड़ेगा, दो दो जोड़ियाँ आपको अलग, मैंने अभी चार लिए ना, मैं दो अब दूसरे पिंजरे में करूँगी दो से, लेकिन इसके बड़ा सा पिंजरा चाहिए क्योंकि फ्लाइट कर सके इनको, अगर यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा इनकी आपको रोज ट्रे की सफाई करनी होगी, दाना डालना होगा, पानी डालना होगा, बहुत मुश्किल होता है, फिर आप इंतज़ार करें कि अंडे कब देंगे, बच्चे कब आएंगे, क्यों क्यों से, मुझे ये पहले पहले बहुत शौक था लेकिन ना जिसने अंडे देना था वो उड़ गया। तो गाइस अगर दानिया तुम मेरा चैनल देख रही हो, वैसे मैं आपके लिए नहीं कह रही, सिर्फ दानिया के लिए कह रही हूँ, दानिया मतलब मेरी फ्रेंड है, ट्यूशन में जाती हूँ उसके साथ खेलती हूँ, ऐसे मैं दानिया कहती हूँ तुम भी ले लो, चलो तो मैं ट्यूशन में आके ही कहती हूँ, उसे तो छोड़ो, तो गाय तो अभी नहीं, आज तो मैं ट्यूशन में आने ही नहीं ना, छोड़ो ऐसा छोड़ो। तो गाय आपको मैं आपको बहुत, सबसे पहली बात ये है कि ईद आने वाली है गाय, ईद में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि इंतज़ार है ईद कब आएगी, हमने ईद की तकरीबन पूरी शॉपिंग कर लिया, मुझे ईद पर सबसे ज़्यादा पसंद है मेहंदी, और मेहंदी जो है मुझे लगाना बहुत पसंद है, कल भी मैं गई अपनी मदर के साथ, मैंने मामा को कहा मुझे मेहंदी लेके दो, मुझे नहीं पता, मैं कहती हूँ बाबा, मेरे फादर है ना, मैं उनको बाबा बोलती हूँ, बाबा ना जाएंगे मॉडल से लेके आए, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इंतज़ार है ना बाबा, फिर अच्छा, अरे काफ़ी लड़ते हैं ये लोग पागल हैं। गाइस अभी मैं अपना चैनल खोलूँगी, देखूँगी कितने सब्सक्राइबर्स हुई हैं और क्या होता है, कौन आया है दरवाजे पे, गाइस ओहो झाड़ू लगाने वाली मासी आ गई है, झाड़ू लगाने वाली मासी नहीं है जो कि मैं आपको दिखाने, भाई साहब नहीं आएंगे, अच्छा चढ़े, कल भी नहीं आए थे आज भी नहीं आएंगे, तो कल जुम्मा था कल नहीं आया था तो आज भी नहीं आएंगे, अब आ गए कल सब 10:30 सुपर हो गए,
12:36 हो गए, साढ़े छः बजे, 12:30 बजे वो कहते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय टाटा, सी यू। आपने मुझे बहुत सा प्यार दिया, थैंक यू। और ईद पे आपको मिलते हैं, और ईद बहुत धूमधाम से आपने मनानी है, और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। बाय बाय।